जरी भाई, कितने लोग और नमाज पढ़ने के लिए आए? ASI ने कल आपने ज्ञापन दिया था, क्या वहाँ से आपको जानकारी मिली उसके बाद आप नमाज पढ़ने आए हैं? कल जो हमने ज्ञापन दिया था नमाज के संबंध में, तो लाउडली कल हमने जो ज्ञापन दिया था सुप्रिंटेंडेंट जी को, उन्होंने ये कहा था कि हम शाम तक जवाब दे देंगे जो, लेकिन उनका शाम तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, इसलिए आज हम फिर नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो लाइक नमाज का एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम पे जितने भी लोग आ जाते हैं और नमाज शुरू हो जाती है। यहाँ पर करीब 1:30 बजे का नमाज का टाइम है, तो 1:30 बजे यहाँ पर नमाज पढ़ी गई, जिसमें 5-7 लोग शामिल थे और कुछ लोग टूरिस्ट था वो भी थे। यहाँ आप नमाज पढ़ने आए तो टिकट लेके आए या वैसे ही? नहीं, मैं तो टिकट लेकर के आया हूँ। हर बार टिकट लेके आते हैं या इस बार ही लेके आए? नहीं, मैं जब भी आता हूँ तो वैसे ही आता हूँ, जो काम से आता हूँ जाता हूँ। आज मेरा मन हुआ कि मैं ताजमहल देख लूँ, तो मैं जब ताजमहल एज ए टूरिस्ट आया हूँ तो मैंने टिकट ले लिया है, और नमाज का टाइम हो गया तो हमने सोचा यहाँ पर नमाज ही पढ़ ली जाए। तो यहाँ एज ए टूरिस्ट आपने नमाज पढ़ी या इंतजामिया कमेटी की? जैसे मैं जो हूँ ताजमहल मस्जिद मंजन कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, और आज ताजमहल देखने के लिए आया था, तो आप दोनों समझ लीजिए कि अध्यक्ष भी समझ लीजिए ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी का, और टूरिस्ट समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्चुअल में समस्या क्या है, यहाँ जो भी रोक लगाई गई है उसको 26 जनवरी 2001 का जो गजट है और एक DM साहब का गजट है, उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि रोज़ाना की नमाज का कहीं कोई मतलब नहीं है। जो रोज़ाना कोई हमारी ये कोई मांग तो है नहीं कि जो लोकल आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आए वो फ्री में टिकट नहीं ले, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही हमारी कभी कोई इस तरह से मांग रही है। लेकिन जो लोग टूरिस्ट हैं, जो नमाज के पंचुअल होते हैं, वो उनको मस्जिद अगर मिल गई तो मस्जिद में पढ़ेंगे, और अगर किसी को जगह नहीं मिली तो वह सड़क पर भी मसल्ला बिछा करके नमाज़ पढ़ सकता है। ये जो पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला है वो कहीं पर भी नमाज़ पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद इसलिए बनाई गई है, ये मकबरा है, ताजमहल जो है एक मकबरा है, शाहजहाँ मुमताज़ बेगम का मकबरा है ये, और मकबरे में मस्जिद है, ताजमहल देखता है आदमी और मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ता है, और उसके लिए देश की सलामती के लिए और ताजमहल की सलामती के लिए दोनों के लिए दुआ करता है। पता नहीं क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्यों आपत्ति इस चीज़ को हुई और किस आधार पर उन्होंने रोक लगाई है। इस रोक के बावजूद हम लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, चाहे उनका आदेश कुछ भी हो।